अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास बहुत ही छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। एक प्राइमर के बारे में आपको मैं बताऊंगी। मेबीलाइन वालों का ये प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इसके बेनिफिट की अगर मैं आपको की बात करूँ तो प्राइमर जो है वो और भी कंपनीज़ के हैं, लेकिन मेबीलाइन वालों का ये जो प्राइमर है ये इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा क्योंकि ये आपकी स्किन में बहुत जल्दी अब्जर्व हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्राइमर है ये ऑल स्किन टाइप है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है बहुत अच्छे से। आपको किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको अप्लाई करने के बाद। और मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 650 है, मैंने भी 650 का ही बाय किया है। ये आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। आपने किसी फंक्शन पर जाना है, डे है, नाइट का फंक्शन है, डे का फंक्शन है, इवन गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, विंटर हो या समर हो, आप ये प्राइमर जो है वो बिना किसी हेजिटेशन के आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पर। और आपकी स्किन, मैं आपको इसका टेक्सचर जो है वो खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल हमने इसको थोड़ी सी अमाउंट में लेना है और अपनी स्किन में इसको जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। और ये देखें कितनी जल्दी ये ऑब्जर्व हो गया है मेरी स्किन में। अब इसके ऊपर मैं कोई भी फाउंडेशन अगर लगाना चाहूँ तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करके अपना जो मेकअप है बाकी का वो कंप्लीट कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग मेबीलाइन वालों का प्राइमर या कोई भी प्राइमर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेबीलाइन वालों का बेबी स्किन प्राइमर जो है वो बाय करें और बिना किसी हेजिटेशन के आप उसको अपनी स्किन पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप ये प्राइमर है, ड्राई स्किन वाले हों या कोई भी स्किन वाले हों वो इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइजर करता है बहुत अच्छे से और आपकी स्किन में जो है सॉफ्टनेस पैदा करता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी जो वीडियो है वो बड़ी अच्छी और कारामद रही होगी आपके लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।